नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। एक बार फिर जमशेदपुर में अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए 9,83,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया। ताजा मामला जुगसलाई थाना अंतर्गत ब्रांच राम टेकरी रोड का, जहां चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उद्योग सचिव सांवरलाल शर्मा के गद्दी में दो की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर उनके कर्मचारी को मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। सांवरलाल शर्मा पेशे से स्क्रैप का काम करते हैं। जुगसलाई थाना अंतर्गत ब्रांच राम टेकरी रोड स्थित उनके गद्दी में उनके कर्मचारी बजरंग लाल शर्मा प्रतिदिन की तरह शाम के वक्त आए और लेखा जोखा का कार्य करने लगे। तभी तो दो की संख्या में अपराधी उनके गद्दी पर घुसकर बजरंग लाल शर्मा से पहले मारपीट की और उनके कमरे में बंद कर दिया, जहां हथियार निकालकर दोबारा उनके साथ मारपीट कर अलमारी में रखे 9,83,000 लूट की घटना को अंजाम देकर उनका मोबाइल लेकर बड़ी आसानी से उनके कमरे में उन्हें बंद कर चलते बने। घायल अवस्था में कर्मचारी बजरंग लाल शर्मा ने हो हल्ला किया, तब जाकर स्थानीय लोगों ने दरवाजा खोलकर उन्हें कमरे से बाहर निकाला और घटना की जानकारी सभी को दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही चैम्बर के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी जानकारी जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी को दी, जहां जिले के SSP और CTSP दोनों घटनास्थल पर पहुंचे, जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान उन्होंने गद्दी के आसपास लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला और कर्मचारी के साथ हुई घटना को पूरी तरह से जाना। नई जानकारी देते हुए SSP डॉक्टर M तमिलवनन ने कहा कि संकरी गली में चार पहिया वाहन का इस्तेमाल अपराधी नहीं कर सकते हैं। दो पहिया वाहन से ये अपराधी आकर इस घटना को अंजाम देने का उन्होंने अनुमान जताया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले में CCTV फुटेज टेक्निकल सेल की मदद से की ली जा रही है। जल्दी पैसे की रिकवरी और अपराधियों की गिरफ्तारी की बात है। हम लोग देखने के लिए आए थे और इस गली में फोर व्हीलर आ नहीं सकता है, टू व्हीलर भी आए होंगे और बाकी हम लोग इसमें सभी प्रयास कर रहे हैं कि अगल बगल के CCTV और बाकी हम लोगों का जो है कैमरा है और उसमें टेक्निकल सर्विलेंस कैसे जल्दी डिटेक्ट कर सकेंगे वो कर रहे हैं। और उनका थोड़ा सा इंजरी हुआ है, मारा गया है, उनको इलाज करा के फिर उनसे हम लोग फर्क जाने कभी कॉन्सर्च करके टीम हम लोग उसमें दो टीम लग रहा है, थोड़ा नंबर उसमें काम करेंगे कि कम से कम पैसा रिकवरी हो जाए और आदमी पकड़ा जाए। जमशेदपुर के बरामाई स्थान अंतर्गत FCI मोड़ पर ट्रक की चपेट में आने से 60 वर्षीय वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और मुआवजे की मांग करने लगे, जहां पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत किया। मिली जानकारी के अनुसार बरामाई स्थान अंतर्गत प्रेमनगर निवासी 60 वर्षीय वृद्ध सिबू साहू अपने घर से बरामाई मार्केट की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक SBI मोड़ पर FCI गोडाउन से आ रहे ट्रक ने वृद्ध व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जहां घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने ट्रक को धर दबोचा और चालक को पकड़ लिया। वही जानकारी मिलते ही बरामाइंस पुलिस भी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से ट्रक को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर थाने ले गई। साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों को उचित कार्रवाई और मुआवजा दिलाने की बात कहकर मामले को शांत करा और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी देते हुए बरामाइंस थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में वृद्ध की मौत हुई है, जिसमें ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाड़ी वाला पिताजी को चढ़ा के चले गए। क्या नाम था पिताजी का, कितनी उम्र है, क्या करते थे वो? जैसा हो है, पहले टाटा मोटर में काम करते थे, बेकार होने के बाद घर में थे। आज घर से कितने बजे निकले और कब ये घटना घटी, क्या करने आए थे बाजार तरफ? आप लोगों की मांग क्या है, आप लोग क्या मांग कर? ट्रक कितना तो चुना भट्टा पुलिया के पास में एक FCI की गाड़ी जा रही थी गोडाउन में, इसी से उनका दुर्घटना हो गया है और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। मुआवजे की कुछ बात हो रही थी, मुआवजे को लेकर कुछ बात हो रही थी, वो तो जो प्रक्रिया है उसके तहत जो होगा। टाटा कंपनी के ठेका कर्मी द्वारा मजदूरों को ठगने का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। टाटा कंपनी के कैंटीन में काम कर रहे मजदूरों को सेटलमेंट नहीं दिया गया और दूसरे लोगों को उस जगह पर बहाल किया गया। वैसे पूर्व कर्मचारी आज उपायुक्त कार्यालय पहुंच जिला प्रशासन से मांग की कि इस मामले में टाटा कंपनी के ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई करते अविलंब बकाया पैसा दिलाया जाए। आपको बता दें कि यह सभी कुक है और कैंटीन में काम कर रहे थे, लेकिन बिना कारण बताए नोटिस दिए ही ठेकेदार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। सेटलमेंट 50 से 60 हजार रुपए हो रहा है, लेकिन ठेकेदार ने मात्र 10 से 15 हजार रुपए ही दिया है। ऐसे में सभी कर्मचारी आंदोलन के मूड में हैं। टाटा स्टील कैंटीन लिमिटेड से आए हैं, जो हमारा सेटलमेंट जो हम लोग 4 साल 5 साल 4 साल किए हैं, उसमें सेटलमेंट पूरा क्लियर नहीं किया गया,
मनमोजी अपना कंपनी हम लोग को 10,000, 12,000, 15,000 देकर उसको सकल लिया जा रहा है। कितना बनता आप लोग का? हम लोग अपना हिसाब से देखा जाए तो एक आदमी लोग कम से कम 40-50,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। कितने हैं टोटल आप लोग? टोटल हम लोग अभी 50 आदमी हैं। जमशेदपुर के परसूरी इलाके में व्याप्त कचरों के अंबार के खिलाफ मकदमपुर रेल फाटक के समीप एक दिवसीय धरना आसू पार्टी नगर कमेटी ने दिया। इसके माध्यम से इन्होंने जिला प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में साफ सफाई करने की मांग उठाई। गौरतलब हो कि परसूरी को स्टेशन मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु केवल यही एकमात्र सड़क है और क्षेत्र के 2 लाख से अधिक आबादी इसी सड़क से आवागमन करते हैं, लेकिन इसी सड़क के दोनों ओर कचड़ों का अंबार है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। गंदगी का अंबार कुछ इस कदर बढ़ चुका है कि यहां से पार होना लोगों के लिए दुभर सा हो चुका है। ऐसे में आसू पार्टी के द्वारा लगातार जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को लिखित तौर पर इस समस्या के संबंध में ध्यान आकृष्ट कराया गया है, लेकिन किसी ने इसकी सूद नहीं ली। आखिरकार आसू पार्टी अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन की शुरुआत कर चुकी है। इन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी प्रशासन सफाई नहीं करती है तो आगे इनके द्वारा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। बहुत ही आश्चर्य की बात है, एक स्वच्छता को लेकर हम लोग को धरना पे बैठना पड़ रहा, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसमें एकदम बदहाल बना के चुकी रुकी है। जिला प्रशासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि परसूरी के मुख्य द्वार, मुख्य सड़क जो हमारे प्रसिद्ध मंदिर गोलपहाड़ी मंदिर के सामने से गुजरने वाले क्षेत्र के 2 लाख लगभग आबादी क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ मुख्य सड़क पर ऐसे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे परसूरी वासियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी सूचना हम लोग कितने बार उपायुक्त महोदय के दिए, एसडीओ साहब को दिए, बाजार समिति के सचिव को भी दिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। मैं इस प्रेस के माध्यम से प्रशासन को जगाना चाहता हूँ कि यहाँ के जो गंदगी है इसे सफाई करके यहाँ पर एक अच्छी सी व्यवस्था किया जाए कि लोग यहाँ सवेरे टहलने के चले, पेड़ पौधा लगाया जाए जिससे एक अच्छी वातावरण बने। अगर हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया तो आपकी पार्टी इससे भी बड़ा भयावह आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका जवाब यही जिला प्रशासन खुद है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत जिसको मॉल के समीप पुलिस ने छापेमारी कर एक अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस का मानना है कि अपराधी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहा था, तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस पहुंची। उधर पुलिस की गाड़ी को देख अपराधी भागने लगे, वैसे एक अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यह अपराधी आदितपुर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस अब गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर रही है। वहीं गिरफ्तार अपराधी के पास एक पिस्तौल, गोली और मोबाइल बरामद हुआ है। हम लोग को एक सूचना मिली कि कल वहां पर कुछ अपराध कर्मी जो है रात में इकट्ठा हुए हैं, ये लोग कहीं ना कहीं जमशेदपुर में कोई ना कोई बड़ा घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पर चूंकि वो बहुत बड़ा इलाका है और चारों तरफ से खुला है, उसको लेकर करके PCR 7 और एक टीम यहाँ से बना करके थाना प्रभारी के नेतृत्व में वहाँ पर छापामारी कराया गया, तो 4-5 आदमी को भागते हुए देखा गया। उसमें 4 आदमी तो उसमें भागने में कामयाब हो गया किसी तरह से और एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसके पास एक लोडेड पिस्टल जो है वो बरामद हुआ है, उससे जिसका नाम विपुल कर्मकार है। और इससे हम लोग पूछताछ किए तो ये लोग 5 व्यक्ति के नाम बताएंगे, 5 लोग ये लोग एकत्र हुआ था, ये लोग को यहाँ पर कोई घटना को अंजाम देना था, उसी के लिए एकत्र ही हुआ था ये लोग, जो सूचना हम लोग को मिला जिस पर हम लोग छापामारी करके एक व्यक्ति को पकड़े हैं। विशाल साड़ी, हमारे यहाँ साड़ी, कुर्ती, लहंगा चुनरी, लहंगा साड़ी, ब्लाउज और भी वैरायटी उपलब्ध है। हमारे पास अच्छे क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल्स उचित मूल्य पर उपलब्ध है। शादी हो या कोई भी पार्टी, अच्छे ड्रेसेस लेने के लिए जल्द आए विशाल साड़ीज। हमारा पता तपड़िया बिल्डिंग, स्टेशन रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 6200115131 9570365100। क्वालिटी इज आवर आइडेंटिटी।
लापरवाही से ड्राइविंग और उससे होने वाली दुर्घटना का एक जीता जागता उदाहरण धनबाद सदर थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास मिला, जब अहले सुबह एक ट्रेलर ने गोलंबर क्रॉस करने के दौरान तीन ऑटो में एक साथ टक्कर मार दी, जिससे एक ऑटो चालक रेहान नामक शख्स की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर सैकड़ों ऑटो चालक की भीड़ जमा हो गई। गुस्साए ऑटो चालकों और परिजनों ने घटनास्थल पर आगजनी की। धनबाद रांची मार्ग को गया पुल के निकट जाम कर मुआवजे की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सदर SDM प्रेम कुमार तिवारी थानेदार घटनास्थल पर पहुंचे एवं लोगों से वार्ता कर उचित मुआवजे का आश्वासन दे सड़क जाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क जाम की वजह से सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। मेरा भाई मासूदा वाला गाड़ी में ट्रेलर ने साया मार के उड़ा दिया, इसको डेट हो गया। ठीक है, मुआवजा चाहिए, भोर में मारा गाड़ी वाला, बस हम लोग मुआवजा चाहिए। दूगो मेरा गाड़ी है, उसका गाड़ी का हम लोग गाड़ी चाहिए, बाकी हम लोग कुत्ते चाहिए। जब तक मेरा भाई सही सलामत होगा तो लेके आने का छोटू नाम था। इसको हम प्रशासन की लापरवाही कहें या ड्राइवर की लापरवाही कहें, किसी की लापरवाही से एक नवयुवक का जान चला गया। वो टेम्पो पर बैठा था अपना घर जाने के लिए, यहाँ से 2 किलोमीटर पर उसका घर है, और उसी बीच ये ट्रक आया और गलत रूट में ले गया। उस रूट में हमेशा नो एंट्री रहता है, और वो लापरवाही से टेम्पो पर चढ़ा दिया। कुछ लोग घायल हुए हैं जो अपने अपने घर को चले गए। ये घर जाने के लिए टेम्पो पर था, इसी पे गाड़ी चढ़ा दिया गया। भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 6 दिसंबर पुण्यतिथि है। पूरा राष्ट्र आज बाबा साहेब के पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसी क्रम में आज धनबाद के रविदास संघर्ष समिति के द्वारा एक संघर्ष यात्रा निकाला गया, जो कि शहर के भ्रमण करते हुए DRM कार्यालय के नजदीक अम्बेडकर चौक पहुंचे, जहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर रविदास संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर धनबाद शहर समेत विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर मौजूद रविदास संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने कहा कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हुआ था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। बाबा साहेब का पूरा जीवन देश सेवा को समर्पित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलित वर्ग को समाज में समानता दिलाने के लिए संघर्ष में लगा दिया। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनका स्पष्ट कहना था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है। बाबा साहेब को जानने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहेब सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक विचार है, जिन्होंने समाज को हमेशा राह दिखाया। हम लोग उनके बताए रास्ते पर चलना है, तभी हम स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं। और सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो महान मानव है वो देश के सिंबल ऑफ नॉलेज है ना। जन जन तक लोगों को शिक्षित होने का, एक अपने अधिकार को लड़ने का शिक्षा के माध्यम से एक रास्ता दिखाएं। तो आज के दिन हम लोग भी यही पढ़ लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें। मनुवादी सरकार हम लोग पे हावी है, पूरी दुनिया जानती है। धीरे धीरे मनुवादी सरकार हम लोगों के साथ एक एक हक को छीनती जा रही है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है, और हम लोग ये कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में अपने वाहन को लेकर जा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ी करने पर आपके वाहन का चालान कट जाएगा और आपको जुर्माना देना पड़ेगा। धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में RPF ने सोमवार को नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का चालान कटते देखे गए। इस दौरान RPF के अधिकारियों ने बताया कि स्टेशन परिसर में पार्किंग जोन होने के बावजूद कई लोग जहां तहां वाहन खड़ी कर देते हैं, जिसके वजह से आने जाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वरीय रेल अधिकारियों के निर्देश पर रेलवे स्टेशन परिसर में सोमवार से नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों का चालान काटने और जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में स्टेशन परिसर के नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों का चालान काटा जा रहा है, जिससे कि लोग जहां तहां वाहन खड़ा ना करें। आज वरीय अधिकारियों के आदेशानुसार एवं मजिस्ट्रेट साहब के आदेश से धनबाद रेलवे स्टेशन के अवैध पार्किंग में जितनी भी गाड़ियां लगी हुई है उनको चालान करने का आदेश हुआ है, ताकि पार्किंग एरिया साफ रह सके, किसी तरह का यहां परेशानी यात्रियों को नहीं हो।
जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक एवं पटकथा लेखक डॉक्टर इकबाल दुरानी आज कोटका के तेतला पंचायत पहुंचे, जहां उन्हें भव्य स्वागत किया गया और युवाओं से सीधा संवाद भी किया। वहीं फिल्म निर्देशक डॉक्टर इकबाल दुरानी ने पत्रकारों को कहा कि झारखंड काफी खूबसूरत राज्य है, यहां काफी सुंदर सुंदर फिल्म शूटिंग करने के लिए जगह है। हम चाहते हैं कि हमारे फिल्म में झारखंड कलाकार काम करें और फिल्मी जगत में अपना पहचान बनाए, आदि मुख्य बातें कही। लेकिन ये कोई जो खराब को बोल रहे हैं सीखना पड़ता है, यह जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल है कि यहाँ पर सीखने की पद्धति नहीं है और मुंबई जाना पड़ता है, मुश्किल नहीं है, इसी लोग यहीं पर यही रहता है। फिर वो एक मिनट काम या कि आ रहा हूँ सर, कब तक शूटिंग करता है, कौन सी फिल्म सर, कौन सी फिल्म सर, किस पर सर आधारित फिल्म होगी? प्रॉब्लम ऑफ नक्सल, नक्सल का जो प्रॉब्लम है वो उसकी एक दस्तावेज भी थी कि किसी के सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.